Really, nigga? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, क्या हाल है आपके? मैं इतना खुश क्यों हूँ मुझे कोई अंदाजा नहीं। टॉलीवुड ये एक ऐसी जगह है जहाँ बनी हुई मूवीज को देखने के बाद आप एवेंजर्स, सुपरमैन, बैटमैन, मोहब्बत मैन इन सबको भूल जाएंगे। इन मूवीज को देखने के बाद आपको एहसास होता है कि इनके डायरेक्टर्स ने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बल्कि आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचा है। यकीन नहीं आता, खुद देख लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मरीज है इनका हो रहा है हार्ट ट्रांसप्लांट, लेकिन डॉक्टर साहब थोड़े परेशान है क्योंकि नया दिल अभी तक बनकर आया नहीं और इस नए दिल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है इस शख्स को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो बंदा है ये दिल बना कर लाएगा। और यहाँ हमारे हीरो दिल को फिनिशिंग टचेस देते हुए हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। हॉस्पिटल जाते वक्त इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है चलिए जरा ये देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबा देना, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है? जी हाँ, आपको मेरा कॉन्टेंट देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये यूट्यूब है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। एक मिनट, देखो ना तो मैं कोई मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ना ही मैंने बायोलॉजी अपनी जिंदगी में कोई खास पढ़ी है, लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इंसान के जिस्मानी आज़ा में से ऐसी आवाजें तो नहीं आनी चाहिए। और ये बंदा हर तरफ से पैरालाइज हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये साउंड इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से फिट हो रहा है इसमें, ऐसी ही तो आवाज आती है। एक मिनट, ये सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है या ये बंदा वाकई में जरूरत से कुछ ज्यादा ही काला है? नहीं, आप खुद देखो ना, ये वाकई में कुछ ज्यादा ही काला है। ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीस में डुबो के निकाला है। शायद इन्होंने ये कोशिश की है कि इसे ज्यादा से ज्यादा डरावना बनाए। अब आप खुद इसे देख के बताइए जरा, कहीं से भी आपको डरावना लग रहा है? अगर मुझसे पूछा जाए तो ऐसा मुंह किसी बच्चे को ही डराने के काम आएगा। मतलब मुझे अगर कहीं ये बंदा मिला मैं इसकी तस्वीर ले लूंगा, मेरे घर में बच्चे बहुत हैं ना। यार इसका रंग मुझे बड़ा तंग कर रहा है, क्या सीन है इसका? उसने नाश्ते में चारकोल खाया क्या है? मतलब दिल की इज्जत रख लेता है बंदा, कम से कम इसको उठा के साइड पे रख लेते। ये पहले कहाँ रखी हुई थी? इतनी मार खाने के बाद से याद आया कि ये भी है हमारे पास? अजीब हुआ यार ग्रीस वाले भाई। और ये दिल उड़ते हुए सीधा जाके पेशेंट के सीने में फिट हो गया। लेकिन ये सही से फिट हुआ है कि नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा? ये देखो ना, ये लाइटें हैं ना, दिल फिट होने के बाद यही तो होता है। यहाँ हमारे हीरो पुलिस वाले बनकर कुछ गुंडों को मार रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इन गुंडों ने हमारे हीरो को अपने हथियार निकालने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इनका वेपन क्या हो सकता है, आप जरा गेस कर सकते हैं? एक गन, एक तलवार। ये टॉलीवुड है मेरे दोस्त। जी हाँ, ये आपकी नजरों का धोखा नहीं, ये बिल्कुल एक केला ही है। इसी केले से इन तमाम लोगों को मारने वाला है। और ये कोई ऐसा वैसा केला नहीं है, इसकी धार तलवार से भी तेज है। एक मिनट, ये सीन जरा मुझे फिर से देखने दो। यार इस बंदे ने अपने सीने से मुर्गा निकाला है अभी। मुर्गा ही है। तो ये थी आज की वीडियो, इससे ज्यादा ना मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ ना आप। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।